हाँ परीक्षित महाराज के सुखदेव महाराज बुधायो कि भगवान जी ध्यान विधि भगवान जी विराट स्वरूप जो वर्णन भगवान जो स्थूल ए सूक्ष्म रूप जी धारणा कल तहां भगवान जी विराट रूप जो वर्णन बुधो क्रम मुक्ति ए सद्यो मुक्ति जो वर्णन है ना। गीता जे अठे अध्याय में भी भगवान या यात्रा लिखी आ कि जीव जडी संसार छड़े वेंदवा तो उनकी परलौकिक यात्रा की होंगी। चौ हरे राम। गरुड़ पुराण पढ़ी दिसो तो उनमें जी लिखल आ कि जीव आत्मा बारह दिन तक उत परिवार में दिसंदी रहंदी आ उत ही रहंदी आ कोई रोंदो आ तो उनके तकलीफ थींदी आ लेकिन सब जीवन ते एक ही नियम लागू कोने। हाँ कोई अड़ा ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा तो वे को बीहंदा उन्होंने लाइ भटकण की भी जरूरत कोने वे तो सीधो गोलो कली वेंदा। चौ हरे राम। ध्रुव महाराज जो वर्णन बुधंदा तो तुरंत शरीर छड़ों वो माफ़ कजो शरीर भी न छड़ों शरीर सहित वैकुंठ से चढ़िया गोलो खलिया भगवान के धाम या तो सभी से एक नियम लागू न थी कोई अड़ा होंगे कि तुरंत उनके वो बो जन्म भी मिली वो तो कर्मन के अनुसार अलग अलग गति थी केंजी तुरंत गति थी केंखे जन्म मरण मिलन कोई भटक केंखे नरक भी वनो पव कोई स्वर्ग में वही कर उत रुकी पव वरी जन्म वन इन। चौ हरे राम। कर्म मुक्ति सद्यो मुक्ति थी कामनाओं के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना करण से हाँ बुध कि प्राप्ति थी। चौ हरे राम। भगवान की भक्ति की वही महिमा है भगवान की भक्ति करण वारा सभी दुखन को पार थी भगवान जगदीश्वर के पाए वठंदा जा तो उन्हें जो पुनरागमन न थींदो।